नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। 5 बजे की खबरों की शुरू करेंगे। आपको बता दें 5 बजे की 5 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर है पिंक सिटी जयपुर से, जहां 2 बाइक की मामूली सी टक्कर इतनी बड़े झगड़े में बदल गई कि लड़की की मौत हो गई। अब वहां हालातों ने धार्मिक रंग ले लिया है और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। वही दूसरी बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी की हुंकार की, जहां पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। वहीं तीसरी खबर बीजेपी के यूपी में मिशन 80 की, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी ने लखनऊ में बड़ी बैठक की है। वहीं चौथी खबर प्रशांत किशोर की विधानसभा लोक चुनावों को लेकर भविष्यवाणी की है, जहां पीके का चुनावी मैनेजमेंट और भविष्यवाणी हमेशा चर्चा का विषय रहती है। वहीं अब उन्होंने एक और भविष्यवाणी कर दी है। और पांचवी बड़ी खबर आसमान में भारत के पराक्रम की है, जहां राजधानी भोपाल के नीले आसमान में भारतीय वायुसेना ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। सेना के पायलटों ने लड़ाकू विमानों के साथ अपना शौर्य और साहस दिखाया। तो पहली खबर से शुरुआत करते हैं। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, एक्सीडेंट के बाद युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। 2 बाइक में टक्कर के बाद ये कहां सुनी हुई थी, भारी बवाल के बाद हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, पर कोर्ट में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो आपको बता रहे हैं बड़ी जानकारी, जयपुर का ये मामला है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक्सीडेंट के बाद युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद भारी बवाल के बाद हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 2 बाइक में टक्कर होने के बाद ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है कि एक युवक की मौत हो गई है, जिसके चलते भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो राजस्थान के जयपुर के सुभाष चौक पर युवक की हत्या से तनाव कायम है। पुलिस इलाके में फ्लैग मार्च कर रही है। सुभाष चौक के पास मार्केट में पूरी तरह सन्नाटा पसर गया है। लगभग 500 दुकानों पर ताला लटका हुआ है। दुकानदारों में दहशत का माहौल है। तो इस बात की जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक्सीडेंट के बाद युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। वहीं मौके पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। भारी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है। आपको बता दें ये विवाद 2 बाइकों की एक्सीडेंट से शुरू हुआ। पहले कहासुनी हुई, इसके बाद मारपीट शुरू हो गई। एक युवक ने रॉड से युवक के सिर पर वार कर दिया। इस हमले में युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसकी बाद में मौत हो गई है, जिसके चलते इलाके में दहशत का माहौल है। और आपस में समन्वय है, पुलिस मित्र सब हमसे जुड़े हुए हैं, तो सब मिलजुल करके स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी सारे जो यहाँ पे इश्यूज हैं उसका समाधान हो जाएगा। मांग क्या है लोगों की अभी इस मौके पे हमारे पास इसकी जानकारी नहीं इनके और आपस में समन्वय है, पुलिस मित्र सब हमसे जुड़े हुए हैं, तो सब मिलजुल करके स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी सारे जो यहाँ पे इश्यूज हैं उसका समाधान हो जाएगा। मांग अभी इस मौके पे हमारे पास इसकी जानकारी नहीं इनके और आपस में समन्वय है, पुलिस मित्र सब हमसे जुड़े हुए हैं, तो सब मिलजुल करके स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी सारे जो यहाँ पे इश्यूज हैं उसका समाधान हो जाएगा। मांग अभी इस मौके पे हमारे पास इसकी जानकारी नहीं इनके। तो वही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसके साथ ही घर के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा भी किया गया है। तो आपको बता दें ये मामला 2 बाइक में टक्कर के बाद ये कहासुनी हुई, कहासुनी इतनी ज्यादा हो गई कि जिसके चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। तो भारी बवाल के बाद पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें ये राजस्थान के जयपुर के सुभाष चौक का ये मामला बताया जा रहा है, जहाँ युवक की हत्या से तनाव कायम है। पुलिस इलाके में फ्लैग मार्च कर रही है। सुभाष चौक के पास की मार्केट पूरी तरह सन्नाटा पसर गया है। लगभग 500 दुकानों पर यह ताला लटका हुआ है। दुकानदारों में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए 15 लोगों को नामजद आरोपी बनाए हैं। वहीं पुलिस ने बताया है कि इस मामले में 9 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो आपको बता दें इस वक्त राजस्थान के जयपुर के सुभाष चौक पर ये युवक की हत्या के बाद से बाहरी बवाल देखने को मिल रहा है। वहीं बढ़ते खबरों में आगे, यूपी मिशन 80 का लक्ष्य लेकर बीजेपी मैदान में निकल चुकी है। इसी के मद्देनजर आज लखनऊ में बीजेपी कार्यालय पर 3 बड़ी बैठकें बुलाई गई हैं। तो जिसमें एक बैठक चल रही है, जिसमें एसएसपी वर्ग के सांसद, विधायक और मंत्रियों को बुलाया गया। इस बैठक नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल और बीजेपी महिला मोर्चा का विशेष अभियान की योजना बनी है, जो की उत्तर प्रदेश की महिलाओं को जागरूक करने का काम करेगी।
तो लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है, मिशन 80 को मजबूत करने के लिए बैठक की जा रही है। बीजेपी महिला मोर्चा का विशेष अभियान चलाएंगी, जिसके चलते नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पर वोट मांगने की बात कही गई है। एजेंडा और मीटिंग, ये क्योंकि हमारे नेतृत्व लेने वाले हैं मीटिंग, तो उनको पता है और वो हम लोगों से बातचीत करेंगे। बातचीत के बाद आपको बात करेंगे ज्यादा। निश्चित रूप से महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि महिलाओं का ये इतने दिन से इंतजार पूरे देश की महिलाओं को, आज हमारे इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको जामा पहना दिया संसद भवन में। अब जो है महिलाएं सशक्त और मजबूत और आत्मनिर्भर, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने में, और महिलाएं सिर्फ काम करती थी उनको जगह जगह बांटती थी। पार्टी में तो पहले से ही आरक्षण की व्यवस्था थी, महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा थी, लेकिन अन्य पार्टियां नहीं देती थी। अब सभी पार्टियां विवश होंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आगे आएँ। वो पहले से ही इसी तरह की बातें कर करके इसको रोक रहे थे। निश्चित रूप से जहाँ अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं काम कर रही, उनका सीट पहले से सुनिश्चित है, और निश्चित रूप से वहाँ अनुसूचित जाति की महिलाएं ही लड़ती हैं, और बाकी जो भी निर्णय है हमारा पार्टी से उसमें। भारतीय जनता पार्टी जो हमारा सेवा पखवाड़ा है माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से जैन जयंती तक 15 दिन का एक सेवा पखवाड़ा हमारा पार्टी के द्वारा कार्यक्रम आयोजित है। उसमें रचनात्मक कार्यक्रम भी है, सेवा के काम भी हैं, हमारे संगठनात्मक काम भी हैं, और अलग अलग हमारे बूथों के कार्यक्रम हैं, सामाजिक वर्गों के हिसाब से हमारे संपर्क के कार्यक्रम हैं। उसी सिलसिले में आज महिलाओं की और अनुसूचित मोर्चे की बैठक है। आगामी कार्यक्रमों की दृष्टि से किस प्रकार से हमें अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में जाना है, इसकी रूपरेखा बैठक करके हम लोग आज निश्चित रूप से देश की आधी आबादी के लिए बहुत बड़ा कदम सरकार ने उठाया है, हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिला अधिकारों के प्रति, हमारी अपनी बहनों के अधिकारों के प्रति, उनके संरक्षण के प्रति हम लोग समर्पित रहे हैं। और संगठन में भी आपने देखा होगा पिछले 20 वर्षों से हमने संगठन में 33% आरक्षण अपनी बहनों को दिया। बीजेपी ऐसी पार्टी है, जितना दलितों के लिए बीजेपी ने किया उसने कभी नहीं किया। नंबर बताना चाहता हूँ, एस सी एस टी एक्ट मोदी जी ने अमेंड किया 1 जनवरी 2016 और वो लागू हो गया। अखिलेश सरकार ने लागू नहीं किया, उसमें रूल्स बने जिसमें आर्थिक सहायता अगर पीड़ित है तो पीड़ित को आर्थिक सहायता मिलती है, और वो अखिलेश सरकार ने लागू नहीं किया। इसको लागू किया बीजेपी सरकार, और सबसे महत्वपूर्ण थी अगर दलित की हत्या होती हो घर का कमाऊ व्यक्ति है। बात करते हैं अब तीसरी खबर की। हरदोई में मानवता शर्मसार हुई है, महिला फरियादी के साथ पुलिस ने बर्बरता की है, जहां महिला पुलिस फरियादी महिला को घसीटते हुए ले जा रही है। महिला को घसीटने का वीडियो वायरल हो रहा है, पुलिस अधीक्षक कार्यालय गेट से महिला को पुलिस घसीटते हुए ले जा रही है। हरदोई से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, पुलिस ने महिला के साथ बर्बरता की है, महिला को घसीटते हुए पुलिस ले जा रही है। फरियाद को लेकर ये महिला पुलिस के पास आई थी, जिसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो पुलिस की ये बर्बरता की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम साझा कर दे रहे हैं। हरदोई का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर महिला पुलिस एक फरियाद लेकर आई थी, जिसके चलते फरियाद सुनने के बजाय पुलिस का ये बर्बरता पूर्वक चेहरा सामने आया है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं। हरदोई का ये मामला बताया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या है पूरा मामला? तरीके से ये वीडियो में दो महिला कॉन्स्टेबल है और ये एक महिला को ये लेके जा रही है, जो कि एसपी कार्यालय की गेट से और थाने की दूरी जो है लगभग 60 मीटर दूरी है, लेकिन वो यहाँ पे उनको घसीटते जा रही है। जब उनको घसीटते लेके जा रही है
में और उसके ऊपर के हिस्से में, कमर के हिस्से में भी उसकी काफी चोटें आई हैं, जो कि वो लहू लुहान भी हो गई है। हालांकि लोग वहां देखते रहे, तमाशा बने हुए देखते रहे, लेकिन आपको बता दें कि वो महिला आई थी एसपी साहब से मिलने अपने न्याय के लिए, उसके उसका पति से उसका विवाद चल रहा था जो जानकारी के अनुसार प्राप्त हुआ है, लेकिन वहां पे उसको एसपी साहब से मिलने नहीं दिया गया। लेकिन वहां पे दो महिला कांस्टेबलों ने उसके साथ बर्बरता की। आपको बता दें कि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला थाना अध्यक्ष बनाने के लिए कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ महिला सिपाही और पीआरडी की जवान उनका मिलकर महिला के साथ बर्बरता करते नजर आ रही है। उन्हें पुलिस अधीक्षक एक बच्ची के साथ में रेप होने के बाद में उसका हाफ इंकाउंटर करके सुर्खियां बटोरते नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस का अधीक्षक के नाक के नीचे ही ये बर्बरता महिला कांस्टेबल करती नजर आ रही है। जी आनंद, ये वीडियो वायरल होने के बाद से आला अधिकारी की तरफ से कोई एक्शन लिया गया है अभी तक? देखिए, जब पुलिस अधीक्षक केशवचंद गोस्वामी से जब बात करना चाहे तो उन्होंने बताया है कि इनके ऊपर कार्रवाई होगी। ये वीडियो को देखकर उनको काफी नाराजगी उन्होंने जताई है और तत्काल प्रभाव से सीओ बघौली को जांच के आदेश दे दिए हैं। अनंत, ये तस्वीरें काफी हैरान करती है, क्योंकि जिस तरह से ये तस्वीरें जहां पर एक फरियादी लेकर महिला पहुंचती है पुलिस थाने में और उसके बाद इस तरह का व्यवहार पुलिस के द्वारा किया जाता है, तो सवाल खड़ा होता है पूरी पुलिस व्यवस्था पर। देखिए, जब आपको बता दें, जब ये महिला वहां थाने पहुंच गई है, उसको बाद उसको कमरे में वहां पे बैठा लिया है, लेकिन जब इसमें बात करना चाहे तो वहां के जो महिला थाना इंचार्ज है वो भी, उनकी भी बर्बरता समझ में आई है कि वो भी बात कर रहे थे वहां पे मीडिया कर्मियों को, वहां से इन्होंने भगा दिया कि जाइए यहाँ से, हमें कोई बात नहीं करनी, किसी प्रकार से मुझसे पीड़ित से भी बात नहीं करने देंगे। ये महिला थाना अध्यक्ष के बयान थे। तो आनंद, अभी जो फरियाद लेकर महिला पहुंची थी उसकी हालत अभी कैसी है? उसको कोई चोटें वगैरह आई हैं? क्या दिक्कत है अभी उसको? कोई जानकारी अभी आपके पास है इसकी? उसको अभी थाने में बैठा के रखा, उसको थाने से निकलने नहीं दिया जा रहा है। अब देखना ये होगा क्या उसपे किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट कराएंगे, क्या वो घायल है जो, उसको किस तरीके से अस्पताल लेके जाएंगे, लेकिन अभी तक उसको थाने से बाहर नहीं निकाला है। तो आनंद, ये दोनों जो पुलिसकर्मी महिलाओं पर आला अधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है? जी हाँ, इनके सस्पेंशन के आदेश दिए गए हैं, अभी लिखित रूप से नहीं आया है, लेकिन पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आनंद, इस तरह की तस्वीरें आखिरकार सवाल खड़ा करती है, क्योंकि एक तरफ यूपी सरकार लगातार महिलाओं के लिए हर कदम उठा रही है, वहीं पर पुलिस को लेकर कई तरह के योगी आदित्यनाथ हमेशा कहते हैं कि फरियादी लेकर अगर कोई समस्या लेकर आते हैं तो उनकी तुरंत उस मामले पे कार्रवाई की जाए, लेकिन इस तरह की जो तस्वीरें निकलकर सामने आती तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। अभी आपको बता दें कि जो नए थाना इंचार्ज बनी है महिला, ये अभी आपको बता दें, एक महिला हरदोई जिले में एक महिला थाना इंचार्ज होता है, और एक अभी आपको बता दें भावना सिंह को भी बनाया गया है बघौली का थाना इंचार्ज। लेकिन अब एक तरफ योगी जी कहते हैं कि महिला में एक महिला थाना इंचार्ज हो और एक थाने में एक महिला को और भी नियुक्त किया जाए, लेकिन यहाँ पे तो जब एक महिला ही एक महिला की बेइज्जती कर रही है, बर्बरता दिखा रही है उसके साथ, किस तरीके से रोड पे उसको घसीटते हुए लेके जा रही है, पहले उठा के पटक रही है, फिर उसके बाद में उनको वो घसीटते हुए लेके जा रही है, लेकिन वहां पे उनको कोई भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार हमें और भी लोगों को बुला के इनको बाकायदा गाड़ी से ले जाना चाहिए, लेकिन उनकी नहीं समझ में आया, उन्होंने अपना पुलिस बल प्रयोग करके उसको थाने के अंदर ले जाके बंद कर दिया। तो आनंद, इस मामले में नजर बनाए रखिएगा आप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं खबरों में आगे। अलीगढ़ में अवैध शास्त्रों का प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, युवा बढ़ चढ़कर अवैध शास्त्रों का प्रदर्शन की होड़ में लगे हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तीन चार युवक गाड़ी में अवैध शास्त्रों का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो अलीगढ़ से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पर अवैध हथियार का सरेआम प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, गाड़ी में अवैध हथियार का प्रदर्शन करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गाड़ी में बैठकर युवा हथियार लहरा रहे हैं, वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके चलते तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार गाड़ी में अवैध हथियार का प्रदर्शन करने वाले युवाओं पर एक्शन लिया गया है या नहीं लिया गया है। इस तरह के लगातार वीडियो हमेशा वायरल होते रहते हैं, पुलिस उसको लेकर कार्रवाई करती है, लेकिन लगातार इस तरह के वीडियो सामने आने के बाद तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं।
अब सीधे ले चलते हैं आपको जहां पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। वैसे जो गौठान की जमीन है उसमें मकान बन गए, जो चारागाह जमीन है उसमें खेत बन गए, तो आज न मवेशी चरने की जगह है न उसके बैठने की जगह, और ऐसे में फसल में चरेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। ये दुर्दशा लगातार बिगड़ती रही और तब हम लोगों ने गौठान फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश की और करीब 10,500 गौठान हम लोग बनाए हैं, जिसमें 10,250 गौठान पूर्ण हो गए हैं, 200-250 बचा है उसे भी हम लोग पूर्ण करेंगे। उसके माध्यम से कहीं 3 एकड़, कहीं 5 एकड़, कहीं 10 एकड़, कहीं 15 एकड़ तक के जमीन हमने आरक्षित की और इस 10,500 गौठान में लगभग 1.5 लाख एकड़ जमीन हमने आरक्षित कर ली बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी उसमें दंड के, पुलिस का कहीं प्रयोग नहीं हुआ और गौ माता के नाम से 1.5 लाख एकड़ जमीन हमने पूरे प्रदेश में आरक्षित कर ली, चारा के लिए भी और गौठान के लिए। अब ये आर्थिक कैसे बने, हम सबकी आस्था गौ माता पे, लेकिन जब उसको पालना कठिन हो जाए तो फिर उसकी इज्जत नहीं रह जाती और फिर पीड़ाएं वो संतों के मुख से, मुखारबीन से वो फिर निकल पड़ता है। ऐसे में हमने सोचा कि ये गौशाला बहुत सारी सरकारें चला रही है, पिछली सरकार भी गौशाला चलाए और गौशाला बना भी, उसको जमीन भी दिए, उस चारा के लिए पैसा भी दिए, लेकिन दुर्भाग्यजनक बात यह है बहुत सारी संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रही है और आज भी कर रही है, लेकिन जो लोग लालची किस्म के लोग हैं ऐसे लोगों ने गौशाला के नाम से खूब पैसा बटोरा, लाखों रुपया बटोरा, लेकिन दुर्भाग्य ये हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे ऐसे गौशाला चलाने वाले हुए, वो गौशाला गाय के पैसा खा खा के तो मोटा होते गए और चारा नहीं मिलने कारण से गौ माता दुबली होती गई और वो मर भी गई। मरने के बाद उसे चमड़े, उसके हड्डी और उसके हथड़ियां तक को बेच के पैसा बनाने का काम किया, ये बहुत पीड़ादायक है। इसलिए गौशाला में दूसरी बात और हो जाती है, आज यदि हम गौ माता को, बैल को यदि गौशाला में डाल दिए तो हमारा लगाव खत्म हो जाता है, जैसे हम माता पिता से जो बच्चे दूर हो जाते हैं तो वो लगाव, वो प्रेम कम होते जाता है। उसी प्रकार से कोई भी घर में यदि व्यक्ति कुत्ता पालता है, बिल्ली पाल ले और चाहे खरगोश पाले, चाहे वो तोता पाले, उसके प्रति मोह हो जाता है, लेकिन आप दूसरे मवेशी का आप उतना प्यार नहीं करते। तो हमने ये सोचा कि गौठान है वो डे केयर के रूप में रहना चाहिए, दिन में गौठान में रहे लेकिन शाम को गौ माता अपने मालिक के घर में रहे, ताकि लोगों को जुड़ाव बना रहे, और इसलिए हमने व्यवस्था की 2 रुपया किलो गोबर खरीदने का। तो भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे। बढ़ते खबरों में आगे, आखिरकार 5 राज्यों के चुनाव में कौन जीतेगा, इस सवाल का जवाब हर कोई जानने को बेताब है, मगर इस सवाल का जवाब राजनीतिक रणनीतिकार और बिहार के बड़े चेहरे प्रशांत किशोर ने दिया। आपको बता दें, प्रशांत किशोर से इंडिया वॉइस ने एक्सक्लूसिव बातचीत की और जब उन्होंने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के राजनीतिक गणित को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए आपको सुनवाते हैं। 5 राज्यों में चुनाव है तो खासतौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 3 जो हिंदी बेल्ट है, कोर बेल्ट माने जाते हैं हिंदी स्टेट्स के, एज ए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, मैं आपसे कोई उसके तौर पर नहीं, जन सुराज से नहीं, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, आपका क्या नहीं, मेरे पास कोई फीडबैक है, फर्स्ट हैंड कोई जानकारी नहीं है, मैं तो यहाँ गांव में हूँ, बाहर से जो सुनने समझने से ऐसा लग रहा है कि मिला जुला कर 3 राज्यों में कांटे का मुकाबला रहेगा, अभी जो मुझे दूर से दिखता है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को अपर है, जब मैं नहीं, जो सर्वे देखिए अपर हैंड किसका है नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर दूर से जो देखने से समझ में आ रहा है कि राजस्थान में भाजपा को एडवांटेज दिखता है, मध्य प्रदेश में भी मुझे लगता है कि बराबर की लड़ाई में भाजपा को ही थोड़ा सा मैं एडवांटेज दूंगा, छत्तीसगढ़ में कांटे की लड़ाई में कांग्रेस को थोड़ा एडवांटेज हो सकता है।
तीन राज्यों, तेलंगाना की बात है वहाँ भी बीच में, तेलंगाना में मतलब मुझे तेलंगाना में मुझे लगता है कि मतलब मिला जुला के BRS वापस आ जानी चाहिए। खबर हमीरपुर से, जहां एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे स्थित दो दुकानों में घुस गया, जिसमें अंग्रेजी शराब के ठेके समेत एक और दुकान में लाखों का नुकसान हो गया। घटना के समय एक दुकान के ऊपरी मंजिल में सो रहे लोग बाल बाल बच गए। मामला सुमेरपुर के बस स्टैंड का बताया जा रहा है, जहां पर हमीरपुर में एक ट्रक अनियंत्रित होकर दो दुकानों में घुस गया, जिसके चलते अंग्रेजी शराब के ठेके समेत लाखों का नुकसान हो गया है। फिलहाल गनीमत रही कि दुकान में मौजूद लोगों की जान बच गई। पीएम मोदी की मुहिम स्वच्छता ही सेवा है पखवाड़ा अभियान के तहत संभल में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्कूली बच्चों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करते हुए कूड़ा करकट इधर उधर ना डालकर कूड़ेदान में ही डालने की अपील की गई। बता दें कि 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा है पखवाड़ा कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसके तहत स्कूली बच्चों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया गया है। उधर भोपाल के नीले आसमान में भारतीय वायुसेना ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। सेना के पायलटों ने लड़ाकू विमानों के साथ अपना शौर्य और साहस दिखाया। सेना की इस कीर्ति को देखने के लिए भोपालवासी सुबह से ही VIP रोड और लेक व्यू रोड पर इकट्ठे होना शुरू हो गए थे। इसके साथ लोगों ने घरों की छत पर भी डेरा डाल रखा था। भारतीय वायुसेना के 91वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में फ्लाई पास्ट किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत स्काई डाइवर्स ने आसमान में तिरंगा बनाकर की। इसके बाद चिनुक हेलीकॉप्टर जब तालाब पर पहुंचा तो जनता ने तालियों के साथ उसका स्वागत किया। इसके बाद हेलीकॉप्टर तिरंगा लेकर सामने आए। कार्यक्रम की शुरुआत में और समापन अवसर पर राष्ट्रगान गाया गया। तो नीले आसमान में वायुसेना की ताकत देखने को मिली भोपाल में, जहां पर एयर शो ने अपना दमखम दिखाते हुए नजर आए। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों ने उनके शौर्य और साहस की हौसला अफजाई की। तो नीले आसमान में वायुसेना की ताकत देखने को मिली, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। आपको दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं, जहां पर एयर शो ने अपना दमखम दिखाया है, जिसे चिनुक हेलीकॉप्टर का ताली बजाकर लोगों ने उसका स्वागत किया। तो एयर शो ने नीले आसमान में अपना दमखम दिखाया, चिनुक हेलीकॉप्टर का ताली बजाकर वहां पर मौजूद लोगों ने उसका स्वागत करते हुए नजर आए। टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर शौर्य साहस का दमखम देखने को मिला वायुसेना की तरफ से। अब सीधे लिए चलते हैं, जहां पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। हमने 2018 में ऐसा विचार किया कि ऐसे जिनके अपने मकान होते हैं गरीब लोगों के, उनकी अगर मुरम्मत की आवश्यकता होती है तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के नाम से आवास नवीनीकरण योजना ये बनाई, और प्रारंभ में एक मकान की मुरम्मत के लिए जो गरीब BPL के परिवार हैं उनको 25,000 रुपये देना शुरू किया। ये योजना केवल अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध थी, बाद में इस राशि को हमने बढ़ाकर 50,000 रुपये किया, और अब जो भी BPL के परिवार हैं, चाहे वो किसी भी जाति के किसी भी वर्ग के हों, उन सब के लिए 80,000 रुपये की राशि ये मंजूर करने के लिए हमने योजना दी है। और अभी तक
इस योजना के लगभग 66,000 परिवार ये लाभार्थी हो गए हैं। गरीब परिवार को आखिर आवास चाहिए, रोटी कपड़ा भी चाहिए, ऐसी व्यवसाय के नाते से उसको रोजगार चाहिए, उसको शिक्षा सुरक्षा चाहिए, तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और अब गरीब परिवारों की सुख सुविधाओं के लिए या उनके गुजारे करने के लिए जितनी चीज़ों की आवश्यकता वो सब हम कर रहे हैं। जहाँ तक मकान की बात है, प्रधानमंत्री जी ने ऐसे गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को इसको चालू किया। हरियाणा में भी हमने शहरी इलाकों में लगभग 15,000 मकान तैयार करके दिए, 14,500 के आसपास अभी भी निर्माणाधीन है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 26,300 मकान बना करके और हमारा जो टारगेट है उसको पूरा कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत से परिवार ऐसे हैं, गरीब हैं, जिनके सिर पर अपनी छत नहीं है। हमने अलग से एक प्रदेश की योजना मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना ये बनाई है। इसके लिए जिन लोगों के अपने मकान नहीं हैं और जिनकी आय 1,80,000 रुपये से कम है, ऐसे लोगों से हमने आवेदन मांगे हैं। तो सीएम मनोहर लाल को आप सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लगातार गरीबों के लिए लगातार कई योजनाएं चला रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।